आज मुझे फैसला करना ही होगा, या तो मैं अपनी स्प्लेंडर को रखूं या फिर किंग बहादुर घोड़े को। आज मुझे इन दोनों में से एक को चुनना था। अब मैं बहुत बड़ी टेंशन में आ गया था, लेकिन मुझे टेंशन के साथ काम भी करना पड़ता है, अपने किंग बहादुर घोड़े पे आलू की बोरी रखने का। सभी आलू की बोरियों को बहादुर घोड़े पे रख देते हैं। अंधेरा होने के कारण बहादुर घोड़े की आंखें भी खोल देते हैं ताकि बहादुर घोड़े को सही से दिखना चालू हो जाए। फिर सभी आलू की बोरियों को लेकर चल देता हूँ आलू से सोना बनाने के लिए। फिर इन आलू के कट्टों को उठा उठा कर ठेल में डाल देता हूँ आलू से सोना बनाने के लिए। आलू के कट्टों में वजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मुझ में थोड़ी देर के लिए बाहुबली आ जाता है। फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मुझे टेंशन भी बहुत ज्यादा हो रही थी अपनी स्प्लेंडर और किंग बहादुर घोड़े को लेकर। इन दोनों में से आज मैं पहले किसको चुनूं? आलू से सोना बनाने के बाद भारी टेंशन में आ जाता हूँ। एक तरफ अपनी स्प्लेंडर, दूसरी तरफ किंग बहादुर घोड़ा। लेकिन किंग बहादुर घोड़े पे हमने काले धन का चारा भी रख लिया था। बड़े ही दुख और तकलीफ के साथ पहले मैं अपने किंग बहादुर घोड़े को घर पे लेके जाता हूँ और स्प्लेंडर को खेत पे ही छोड़ जाता हूँ। घर पे किंग बहादुर घोड़े को छोड़कर खेत की ओर चला जाता हूँ। थोड़ी देर में पैदल पैदल खेत पे पहुँच जाता हूँ और अपनी स्प्लेंडर को लेकर घर की ओर चल देता हूँ। लेकिन आज आपके भाई को सब्सक्राइब भी करके जाना। बोलिए जय श्री सीताराम।